इस बंदे को देखा हुआ आपने पहले? नहीं देखा तो रहने तो छोड़ो, जिन्होंने देखा हुआ है वो समझ जाएंगे। बाय बाय। सुबह से लाइट बंद है, बिल भेज देते हैं, लाइट नहीं भेजते। लॉलीपॉप की हालत क्या कर देता है, सारे मुंह के ऊपर मीठे मीठा लगाया हुआ है। How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely? मुझे सबसे प्यारा बच्चा तब लगता है जब वो 8 महीने से ऊपर जाता है, और तकरीबन ये 1.5-2 साल तक बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, इतना ज़्यादा प्यारा लगता है आपकी सोच है। आज ड्राइविंग का आगाज़ हम इन फूलों से करेंगे। आ गया हूँ भाई ड्राइविंग सिखाने के लिए, चवड़े मारने में बाज नहीं आता मैं। How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. कुछ खास नहीं है इन फूलों में, ना मुझे नाम का पता है। वैसे मुझे प्यारे लग रहे थे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यही फूल ही प्यारे हैं बस। नहीं वैसे रोड भी अच्छे हैं। पॉजिटिविटी जो है वो फैलाओ, चीज़ें जो है वो निखारो, माहौल अच्छा बन जाता है यार। जब यहाँ पे आते हैं टोटल चेंज लगता है, फील अच्छी यानी वाइब आती है। अब हम बेशक की तरह गाड़ी थोड़ी चलवा लें, निकलते हैं यहाँ से। आज मैंने डॉक्टर सॉसी ट्राई करना है कि भाई क्या स्पेशल है उसमें, क्यों रिकमेंड हुआ है मुझे। दबा के रखो, जिस तरह मर्जी चलाओ, आपको सही चलानी आती है। नहीं चलो खोल लो, आराम से जी, आराम से। पीछे भी देखो, पीछे तो देखो। ये तो पीछे तो देखो, वो बच्चा क्या रहते हैं। बिल्कुल सही है, बाकी सारी सही है, पर स्टेयरिंग एक हाथ से करो। पावर स्टेयरिंग है तो एक हाथ से कर लो, दोनों हाथ इस तरह कर रही जिस तरह ट्रैक्टर का स्टेयरिंग है। पीछे ना कुछ औरतें तुम्हें देख के हंस रही थी, वो सोच रही थी कि पहले यबलू सी थी, अब मैडम बनी बैठी है। ये पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी के अंदर ही ये तालाब सा है, पहले यहाँ पे मछलियाँ होती थी, अब पता नहीं है कि नहीं। ये ट्यूबवेल वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। पानी बिल्कुल ट्यूबवेल चल रहे, साफ थलो आ रहा है। बड़ी मेहरबानी हो, बंदा जानने वाले ही मिल गया था, साथ वाले गांव से है। वो अबू वगैरह को जानता था, मुझे नहीं जानता। वैसे इस साइड पे आज पहली बार आए हैं। Give me love, give me all your love, oh cause I want you. ये भी मछली फार्म ही है, और वो सामने भी मछली फार्म है गवर्नमेंट के। तो makes me feel this way, don't know what you do. निकलो मछली फार्म दिखा के लाओ, इधर मछली देखनी, मछलियां चलाओ। अब जूता पहन, जूता पहन, तू ही मछली फार्म देख। Look at you. You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? गरम ठंडा रहने वाला पक्का है। अच्छा अच्छा। पूंगा बच्चा ही। बच्चा मछली है। बेटा इस तरह फिश बाहर तो नहीं ना आती, ये पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, कहते नहीं हो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। याद आया? ये वायर वगैरह लगाई हुई है, इसको वो पर्दा वगैरह लगाते हैं ताकि पूल के ऊपर छांव रहे। सारी इसलिए यहाँ पे इकट्ठी हुई है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खुराक उनकी डाली थी। गोप्रो मैंने ऑन कर दिया है, तो नीचे जाके कोशिश करता हूँ। अच्छा बेटा मुझे शॉर्ट तो ले लेने दो एक। अब चल पानी में भैया, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब गोप्रो अंदर लगाया हुआ है, शायद कोई एक आदि आ ही जाए। क्या कुछ करना पड़ता है भाई अच्छी शॉट लेने के लिए, भाई आ जाओ एक आदि तो आ जाओ। All of the
अब ऊपर जाए और नीचे ना गिर जाए। पापा पकड़ो। चलो चलो। आज मैं भी घर के जाता। कपड़े गंदे हो गए कपड़े। ओ जंदा वैसे भी। छेबे। ओ बस कर एडा तू एडवेंचर इतिया। गिर जाएगा ना। देख लिया ना ऊपर से। चल बस कर। मैं देखी। दिख रही है। ओ देखो। और नहीं शेबी यार बस कर यार शेबी आगे भी जाना खाना भी खाना है आज तो ना डॉक्टर सौसी चेक करवानी है इधर आ डॉक्टर सौसी चेक करनी है हैं चला आगे चले अबू भूख लग रही है बड़ी बड़ी फिश दिखाऊंगा तुझे फिर चमचा बड़े मॉन्स्टर हाँ मॉन्स्टर फिश दिखा आराम से गिरना नहीं सर अबू हाथ खुला ना इसके अंदर फिश छोड़ेंगे ना इसके अंदर फिश छोड़ेंगे वो फिश जो है फिर वो बच्चे देगी इसके अंदर What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no war. चलो जी अब आगे चलते हैं अब डॉक्टर सौसी के पास मिलता हूँ आप लोगों से चाली चैप्टर में डॉक्टर सौसी वाले की शॉप है नहीं ओपन हुई है तो सबसे फेमस कौन सी चीज़ है डॉक्टर सौसी की ग्रिल बर्गर है ग्रिल्ड बर्गर ठीक हो गया जी लो जी ये स्टाइल अच्छा है वैसे 21 नंबर है टोकन है ये सब कह रहे हैं थोड़ी देर खेल लेते हैं इससे वैसे हमारे लिए नई चीज़ है बच्चों तो खेलो बाकी उसके अलावा ये कौन सा बर्गर रह गए ये नीचे वाले दोनों रह गए जी सर ये नीचे वाले भी दोनों करो और ये रैप जो है ना वो भी कर दो एक बिल टोटल बना है 1880 रुपये और दूसरा जो है वो बना है 1400 दोनों को प्लस कर लो तो ये टोटल बिल बनता है मेरा सभी चीज़ों के लिए डॉक्टर सौसी की ट्राई करनी है तो क्या पता नहीं था इस वजह से हर चीज़ ऑर्डर कर दी चीज़ें ना KFC वगैरह से ये सस्ता लग रहा है वैसे अब साइज़ का पता नहीं है कि साइज़ क्या है बाकी टेस्ट का भी कोई पता नहीं है टेस्ट भी करते हैं वो पहली बार यानी कि बताते हैं आप लोगों को मुझे कैसा लगा ये बिक तो बहुत रहा है नाम भी बहुत सुना हुआ है और रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे नेट के ऊपर सर्च करके आया था मैं घर से व्हाट अ कोइंसिडेंस डॉक्टर सौसी के पास ही मेरा डॉक्टर भी है मेरा डॉक्टर है और ये डॉक्टर सौसी है बहुत नज़दीक है मगर मैंने ट्राई कभी नहीं किया था बस वो लकीर का फकीर समझ लो हमेशा वही खाते हैं जो पहले ऑलरेडी खा रहे थे बाकी हमें टेस्ट की इतनी कोई यानी कि नहीं है मगर हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा हो रही मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा हो रही है इसने क्या करना है ये बजेगा ये चिप वगैरह लगी हुई है वैसे बज भी सकता है पड़ों यहाँ पे इस तरह सिटिंग का कोई खास अरेंजमेंट नहीं है बाहर ये बेंच लगा हुआ है यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो वाह जी वाह अच्छा ये ऑर्डर तैयार हो गया है रेड जो लाइट्स है वो जलने लग पड़ी हैं मैंने रख लिया मेन्यू ताकि बता सको कि कौन सी चीज़ है वरना इतनी चीज़ें लिए पता ही नहीं चलना कि कौन सी ट्राई कर रहा हूँ अरे नंबर तो भैया कार्ड निकाल कर यहाँ रख लूँ और खुद बाहर निकल जाऊँ थोड़ा सा डॉक्टर सौसी से आगे आगे है तो चीज़ें रखते जाओ जी रखते जाओ यहाँ ये कर्ली फ्राइज है कि प्राइस की बात करें 200 रुपये में आई है ये 200 रुपये की कर्ली फ्राइज है मेयोनीज़ और केचप डाल लो रैप काफ़ी बड़ा माशाल्लाह मुझे तो लगा शवरमा साइज़ होगा वरना ये बहुत बड़ा यार ये साइज वो हो पहला नंबर तो साइज़ बता लूँ ना साइज़ देख लो बारबेक्यू सॉस से धुएं छुड़वा दिए भैया रैप ही अभी तक ट्राई किया है ओए हो भैया मेरे से भी धुआं है दोनों रैप भाई एक दूसरे से बढ़कर थे मगर मुझे थोड़ा सा स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो मैं क्या नाम है इसका चिकन ग्रिल्ड रैप को ज्यादा यानी कि पॉइंट दूंगा क्योंकि वो स्पाइसी ज्यादा था मजा आ गया भाई मजा अच्छा जी अब बर्गर ट्राई करने से पहले ना उनका कोई स्पेशल है चीज़ वो बना कर देते हैं बीच में मेन्यू के ऊपर ऐड नहीं था इसमें यानी कि कॉर्न भी डली हुई है ब्लैक ऑलिव्स हैं जलपिनो हैं स्वीट कॉर्न्स हैं ये चीज़ें यानी कि मिला कर और ये मिक्सचर करके दिया गया है तो अब ये ट्राई करके बताता हूँ कैसा लगा है मुझे जो फिलिंग करते हैं वही सारी चीज़ें हैं पर चिप्स के ऊपर यानी फिलिंग की हुई है सारी कुछ इसके नीचे चिप्स है ये चिप्स है नीचे चारों बर्गर जो इनके हैं वो चारों ट्राई करते हैं जो सबसे अच्छा लगा वो बताता हूँ आप लोगों को अब पैटी बर्गर जो है वो ट्राई करने लगा हूँ पैटी बर्गर
सॉसेज वगैरह लगाई गई है बीच में, मायो और फिलिंग, बाकी ब्रेड काफी ज्यादा सॉफ्ट। ओहो नॉट बैड। अब दूसरा थंडर जिंगर बर्गर ट्राई करने लगे हैं। पहले बर्गर की प्राइस थी 310 रुपए पैटी बर्गर की, और इसकी प्राइस है 380 रुपए का। अब दिखा लो प्योरी खैर। ओ हो 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 हो, पहले नंबर तो साइज देख के डर लग रहा है। जैसे मैकडोनल्ड के बर्गर होते छोटे छोटे, मुझे लगा वही है शायद। अरे भाई साहब ये खाएगा कौन, किस तरह खाऊ। एक तो इतना बड़ा बर्गर देख के भूख वैसे ही मर जाती बंदे। अब फिलिट ट्राई करने जा रहा हूँ। फिलिट बर्गर की प्राइस है 400 रुपए का। फिलेट का तो जायका ऐसा लग रहा है जैसे बीच में फिश है। इस तरह की फिश का भी बिल्कुल टेस्ट होता है जैसा इस तरह लग, इस तरह का फिलेट का लग रहा है। अब आखिरी बर्गर ट्राई कर लूं भाई, ग्रिल्ड फिलेट। पहला नंबर तो इसको उठाने मुश्किल है। इन चारों बर्गर में से मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये ग्रिल बर्गर पसंद आया है, और दूसरे नंबर पे ये पसंद आया है कि ये वाला जो रैप है चिकन ग्रिल रैप वो बहुत ही अच्छा था, और साथ में इसके कर्ली फ्राइज जो है वो तो जाहिर सी बात अच्छे ही है। आप लोग बस यकीन करो कि मैं बस उनके साइज देख के ही मेरा पेट फुल हो गया भाई। ओ हिम्मत नहीं पड़ रही यार बाइट करने की भी, कि इन मॉन्स्टर से कौन लड़े। इंसान ना थोड़े में खुश है ना ज्यादा में खुश है। दरमियाना साइज करो सर, छोटा करो साइज। अबू अबू एकदम गॉडजिला जैसे था, जैसे वो गॉडजिला लेजर पहनता है। हां गॉडजिला से बेटा बड़े थे। जितनी इनकी प्राइस है इनके पैसे भाई पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल वर्थ इट है, कोई इतना ज्यादा नहीं है पैसे। वरना टेस्ट में अच्छा है, और KFC वगैरह जो है उसके लेवल का ही है। ये सारा कुछ तेरा है, ये पकड़ ये पकड़ ये पकड़ आप बैठ खा। ये नहीं पसंद, अच्छा ये ना खा। बेटा रिव्यू दे रहा था ना, बता रहा था दोस्तों को कि ये इस तरह का होता है, इस वजह से तू भी तो बता रहा है कैसा, यानी कि तुझे लगा क्या कुछ खाएगा तो क्या बताऊंगा ना।